हेलो एवरीवन, तो मेरा नाम है शिवम भास्कर और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन के बारे में। ठीक है, तो हम पढ़ चुके थे फ्रिक्शन के बारे में, पढ़ चुके थे कि फ्रिक्शन से क्या क्या होता है, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, उसे हम डिस्क उसका उसका हम डिस्कशन कर चुके थे पिछले लेक्चर में। ठीक है, तो इस लेक्चर में हमें पढ़ना है एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, मतलब क्या है कि फ्रिक्शन के क्या क्या फायदे हैं, गुणधर्म है, ठीक है, और फ्रिक्शन के क्या क्या अवगुण है, डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। बहुत मजा आने वाला पढ़ने में। ठीक है, सबसे पहले आप अगर चाहें तो इससे आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आपने कर लिया होगा, उसे आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन का क्या क्या एडवांटेज हो सकता है, ठीक है, फ्रिक्शन हमें किस तरह से हेल्पफुल है, ठीक है, तो वो सब चीज़ को जानेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि राइटिंग इन ड्राइंग, अगर हम कोई चीज़ लिख रहे हैं, ये कुछ हम लिख रहे हैं, ठीक है, तो जब तक अगर फ्रिक्शन नहीं होता, फ्रिक्शन नहीं होता तो ये चीज़ हम नहीं लिख पाते, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होता, अगर कोई चीज़ अपोज नहीं करता तो ये चीज़ यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये जो मार्कर का इंक है यहाँ पर नहीं आ पाता। ठीक है, तो कोई भी चीज़ का अगर हमको हमें ड्राइंग करना है या लिखना है कुछ, तो वहाँ फ्रिक्शन का यूज होता था, एडवांटेज है फ्रिक्शन का, एडवांटेज। ठीक है, और क्या है सेकेंड चीज़ हमारे पास, क्या है सेकेंड है हमारे पास बर्निंग ऑफ मैच स्टिक। ठीक है, मतलब क्या है कि जो तिल्ली होता है, ठीक है, इसका जो स्टिक होता है किसका, माचिस का, वो डब्बा में फ्रिक्शन के कारण, नहीं जब इससे हम ऐसे करके रब करते हैं तो वहाँ पर फ्रिक्शन ही होता है ना, फ्रिक्शन के कारण हीट जनरेट होता है और इसी के कारण क्या होता है, यहाँ पर बर्न जलता है मैच स्टिक। ठीक है, तो एक एडवांटेज और भी हो गया बर्निंग ऑफ मैच स्टिक। फिर वॉकिंग, ठीक है, जब हम चल रहे हैं तो वहाँ पर भी फ्रिक्शन यूज हो रहा है, जैसे हम एक पैर रखते हैं नीचे में, ठीक है, जैसे ये सरफेस है, ये सरफेस पे हमने जैसे एक अपना पैर रखा, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, यहाँ जैसे ही हमने रखा तो ये फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, तब जाके हम वहाँ पर रुकते हैं, तो हम पैर रखते हैं वो स्लिप कर जाता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर इस यहाँ समझ में नहीं आएगा तो एक चीज़ हम देख सकते हैं, अगर हम यहाँ पर कि अगर केला का छिलका रखा हुआ है, केला का छिलका देखते हैं कि रोड पे गिरा हुआ है, तो कोई जाता है तो उसे पैर रखता है तो फ्रिक्शन नहीं बन पाता है, फ्रिक्शन वहाँ पर फोर्स कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है केला का छिलका, क्या तो स्लिपरी होता है इसी कारण से, तो क्या होता है वो फिसल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स काम नहीं कर रहा था, तो इसका मतलब क्या है कि चलने में हमें क्या करता है, फ्रिक्शनल फोर्स मदद करता है। ठीक है, और क्या है यहाँ पर विदाउट फ्रिक्शन, फोर्थ नंबर में हमें देखना है कि बिना फ्रिक्शन के, विदाउट फ्रिक्शन द व्हील ऑफ ए कार वुड नॉट बी ग्रिप द रोड। हाँ, कोई भी चीज़ रोड पे चल रहा है ना, कोई भी चीज़, तो वो फ्रिक्शन के कारण चल रहा है, मतलब फ्रिक्शन फोर्स नहीं रहेगा तो रोड पे क्या होता है, चक्का ग्रिप नहीं पकड़ पाएगा। ठीक है, ऐसे से मतलब घूमते घूमते नहीं जा पाएगा, जैसे कि ये चीज़ हम देख सकते हैं कि अगर कहीं कीचड़ हो गया या कोई चीज़ हो गया जहाँ चक्का फंस जाता है, तो वहाँ पर ग्रिप नहीं बनने के कारण चक्का वहीं घूमते रह जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर हम समझ में आ गया हमें कि फोर्थ हमें क्या है कि क्या बोलते हैं, चक्का जो व्हील ऑफ ए कार है वुड नॉट ग्रिप द रोड, रोड को ग्रिप नहीं करेगा अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो। ठीक है, तो यहाँ तक हमें समझ में आ गया। और क्या है, और अब है कि फोर्थ फाइव नंबर में विदाउट फ्रिक्शन, बिना फ्रिक्शन के बेल्ट कुड नॉट बी ड्राइव मशीन। यहाँ पर एक चीज़ हम देख सकते हैं ये चीज़, ठीक है, कि आप बहुत सारा मशीन देखे होंगे, जैसे कि जो आटा का मशीन होता है, आटा मतलब गेहूँ पीसने पिसाने का, फिर धान को कूटने वाला मशीन जो होता है, वो चीज़ में क्या होता है कि बेल्ट लगा हुआ, तो बहुत सारे मशीन में बेल्ट लगे हुए थे ऐसे करके, ठीक है, कि दो मशीन को, यहाँ एक मशीन घूम रहा है तो वो मशीन को घुमाना है तो बेल्ट लगा हुआ है तो वो मशीन भी घूमेगा, तो वो बेल्ट कब काम करेगा, जब वहाँ फ्रिक्शन काम करेगा, अगर फ्रिक्शन काम नहीं कर रहा है तो क्या होगा, आपका बेल्ट घूमते रह जाएगा, वो दूसरा मशीन तो घूमेगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर एक फ्रिक्शन काम करता है, यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, अब ब्रेक्स ऑफ ए व्हीकल, अब हम ब्रेक दबाएं, ठीक है, ब्रेक लगाएं तो ब्रेक जहाँ पे लग रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर फ्रिक्शन काम करेगा तब ना अपोज करेगा, मूविंग बॉडी को अपोज करेगा तब ना वो रुकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ब्रेक ऑफ व्हीकल में भी आपका क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है। हम सीधा साइकिल में आते हैं, ठीक है, साइकिल में, सिंपल साइकिल में आप देखना होगा कि ऐसे के मान के चलिए, ऐसे करके ये आपका ये क्या है, आपका चक्का है, मान के चलिए यहाँ पर ब्रेक लगा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ ब्रेक लगा हुआ, दोनों साइड से ब्रेक क्या करता है, उसको दबाता है। ठीक है, अगर वहाँ फ्रिक्शन फोर्स काम नहीं करेगा तो चक्का तो उसका आपका रुकेगा नहीं। ठीक है, तो यही होता है बरसात के टाइम में, जब रेनी सीजन रहता है, बरसात के टाइम में हम अगर ब्रेक मार लगा भी रहे तो ब्रेक आपका नहीं लग पाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक ये समझ में आ गया आपका।
और कटिंग ऑफ ए वुड, अच्छा कोई लकड़ी को काट रहे हैं, ठीक है, मतलब समझिए कि सिंपल है कि हम कुछ भी कर रहे हैं, कुछ हम पकड़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वहाँ फ्रिक्शन हो रहा है तभी हम पकड़ उसको कर पा रहे हैं, ठीक है। मान के चलिए ये है, तो ऐसे करके यहाँ रखा हुआ, तो ये फ्रिक्शन के कारण यहाँ रखा हुआ है, ऐसे करके यहाँ पर छोड़ दिए ऐसे करके, ठीक है, तो यहाँ फ्रिक्शन के कारण रखा हुआ, नहीं तो ये धीरे धीरे अगर नीचे चल जाता, ठीक है। और कटिंग ऑफ ए वुड है, तो लकड़ी काट रहे हैं, तो लकड़ी अगर काट रहे हैं तो नहीं कटता, क्यों, क्योंकि हम जैसे उस क्या बोलते हैं, जो मान के चलिए कुछ भी है, ठीक है, काटने के लिए, ठीक है, कटर लगाते हैं, तो कटर मान के चले कटर से काटे तो वो कटता ही नहीं, फ्रिक्शन ही नहीं होता वहाँ पे, कटता नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ आपका हो गया एडवांटेज, इतना एडवांटेज, और भी बहुत सारा एडवांटेज आप बोल सकते हैं, एग्जाम्पल्स टाइप का एग्जाम एडवांटेज, ठीक है। और आपका क्या है, अब क्या है एडवांटेज हमने देख लिया, अब हम डिसएडवांटेज को देखते हैं। मशीन पार्ट्स विच रब विद ईच अदर वियर आउट, ठीक। अब देखिए क्या है कि मशीन पार्ट, जो मशीन यूज यहाँ पर फ्रिक्शन हो रहा है, जहाँ फ्रिक्शन हो रहा है वहाँ पर क्या होता है, वो धीरे धीरे रब हो के क्या होता है, फ्रिक्शन के कारण वियर आउट, ख़राब हो जाता है, मतलब उखड़ जाता है। जैसे ही मान के चलिए जो हमने यहाँ पर बेल्ट का देखा, यहाँ में बेल्ट देखा, तो ये बेल्ट जो देखा, ठीक है, मशीन में ये बेल्ट धीरे धीरे ख़राब हो जाएगा, क्यों ख़राब हो जाएगा, क्यों, वो क्या होता है वियर आउट, धीरे धीरे क्या होता है उसका जो अंदर का जो जहाँ जहाँ घिस रहा है, जहाँ फ्रिक्शन हो रहा है, वहाँ वहाँ धीरे धीरे वो क्या उखड़ते चल रहा है, उखड़ते जाएगा, तो हट जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब हम आगे यहाँ पर देखेंगे, एनर्जी इज वास्टेड इन ओवरकमिंग फ्रिक्शन इन द मशीन, मशीन में फ्रिक्शन के कारण एनर्जी वॉश मतलब क्या होता है, वेस्ट हो जाता है। जैसे कैसे कि मैकेनिकल एनर्जी हो रहा है, तो फ्रिक्शन के कारण हीट एनर्जी में जनरेट हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर फ्रिक्शनल में जो एनर्जी निकल रहा है ना, वो उसमें वेस्ट हो जाता है, एनर्जी में वेस्ट हो जाता है, दूसरा एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। अभी मैकेनिकल एनर्जी यहाँ था, फिर हम इसे करके लगाए, ठीक है, तो फ्रिक्शनल एनर्जी या फ्रिक्शन फोर्स के कारण हीट एनर्जी कुछ चेंज हो गया, ठीक है, तो मैकेनिकल एनर्जी मतलब कुछ वेस्ट हो गया ना, बिना मतलब का हीट एनर्जी चेंज हो गया, तो ये वेस्ट हो जाता है यहाँ पर एनर्जी, ठीक है, बहुत सारा एनर्जी वेस्ट हो जाता है। जैसे कहने का मतलब है कि अगर कोई चीज़ को हम ले जा रहे हैं, ठीक है, ले जा रहे हैं, खींच के ले जा रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, एनर्जी वेस्ट हो जाता है ना, फ्रिक्शन करें तो आराम से ले जाते हैं, ठीक है, आराम से खींच के ले जाता है, वही सब चीज़ है, ठीक है, आप अपने से भी एग्जाम्पल समझ सकते हैं। ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन द सोल ऑफ द शू एंड द फ्लोर द सोल वियर आउट, ठीक है, अब हम शू पहनते हैं, ठीक है, तो उसका जो सोल होता है, जो जमीन है, ठीक है, उसमें बार बार चलते चलते क्या होता है, डिसएडवांटेज है फ्रिक्शन का, कि उसके कारण क्या होता है, सोल क्या होता है आपका, सोल आपका घिस जाता है, जिसे हम बोल रहे घिस जाता है, वही होता है वियर आउट, ठीक है, वियर आउट हो जाता है सोल, यहाँ तक समझ में आ गया। अब फोर्थ में हमारा क्या है, द टायर ऑफ व्हीकल वियर आउट बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द सोल रोड, सेम चीज़ है, यहाँ सोल है, सॉरी टायर इन द रोड, जहाँ सोल है वहाँ पर आपका टायर है, और यहाँ फ्लोर है, यहाँ पर रोड है, रोड पे चल रहा है व्हीकल, तो धीरे धीरे फ्रिक्शन के कारण फ्रिक्शन घिस रहा है, ठीक है, घिसते क्या होता है, चक्का आपका चला गया, ठीक है, घिस जाता है, चक्का पतला हो जाता है, ठीक है, टायर पतला हो जाता है, ठीक है, तो वही चीज़ है यहाँ पर, ठीक है, ये फोर्थ नंबर भी आपको समझ में आ गया, ठीक है, सब चीज़ मतलब डेली लाइफ का चीज़ें फ्रिक्शन में क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या डिसएडवांटेज है, समझ में आ गया। अब अगर डिसएडवांटेज है तो उसको तो कम करना है, डिसएडवांटेज को कम करना है, तो उसको वो कम करने के लिए, ठीक है, यहाँ पर जो एक हमने देखा कि मशीन का जो पार्ट होता है, मशीन का पार्ट मतलब सिर्फ वो ये नहीं हो गया, ठीक है, सिर्फ बेल्ट नहीं होगा, अंदर में मशीन का जो पार्ट होता है, बहुत सारा पार्ट होता है, वहाँ पर भी तो फ्रिक्शन होते रहता है, बाइक चल रहा था, इंजन चल रहा था, इंजन में भी फ्रिक्शन होता होगा अंदर में, ठीक है, तो वो सब चीज़ के कारण धीरे धीरे पार्ट क्या होता है, रब हो जाता है, ख़राब हो जाता है, वियर आउट हो जाता है। अब हमें देखना है कि अगर डिसएडवांटेज हो रहा है तो उससे ओवरकम भी करना है हमें, उससे बचना है कि फ्रिक्शन का जो डिसएडवांटेज है उससे हम बचें, तो वो कैसे बचेंगे वो हम यहाँ देखेंगे कि मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को कैसे कम किया जाए। आप हटा नहीं सकते फ्रिक्शन को, ऐसा नहीं कि एकदम फ्रिक्शन लेस कर देना, ठीक है, वो सिर्फ थ्योरी में पढ़ सकते हैं, फ्रिक्शन लेस सरफेस है वो चीज़ है, ठीक है, फ्रिक्शन लेस सरफेस है, फ्रिक्शन नहीं काम कर रहा है न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पर क्या है आपको कि मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन में क्या आप फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं और खत्म नहीं कर सकते। चलिए देखते हैं, बाय मेकिंग द सरफेस स्मूथ एंड बाय पॉलिशिंग देम, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बाय मेकिंग द सरफेस स्मूथ, मान के चलिए कोई सरफेस को कैसे स्मूथ कर सकते हैं,
ग्रीस लगा के, उसमें ऑयल लगा के, ठीक है, हम सरफेस को स्मूथ कर लेते हैं, और या तो पॉलिश करके, उसको पॉलिश करके पूरा पॉलिश कर देंगे तो सरफेस स्मूथ हो जाएगा, ठीक है। और क्या है, द बाय अप्लाइंग लुब्रिकेंट सच एज ऑयल, ग्रीस एंड ग्रेफाइट, यही चीज़ है, ठीक है। सरफेस को स्मूथ बना देंगे तो भी आपका क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन वहाँ पर काम क्या बोलते कम लगेगा, और पॉलिश कर देंगे तो फिर भी कम लगेगा, स्मूथ हो रहा है, सिंपल है कि स्मूथ करके। और क्या है कि यहाँ पर क्या है, लुब्रिकेंट्स मतलब क्या होता है, जो चिपचिपा टाइप का, ठीक है, मतलब कि जिसको स्लिपरी बनाने हैं, ठीक है। तो यहाँ आपके क्या होता है, ऑयल के, ऑयल से, ठीक है, जो आपका मोबिल आता है, ठीक है, ग्रीस हो गया, फिर या तो ग्रेफाइट हो गया, ये सब चीज़ का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। मतलब क्या है कि हम कोई भी सरफेस है, दो सरफेस है, उसको एक सरफेस को क्या करेंगे, पूरा प्लेन कर देंगे, स्लिपरी बना देंगे, तो फ्रिक्शन आपका कम होगा, तो एनर्जी आपका यहाँ पर क्या है, जो एनर्जी यहाँ वेस्ट हो रहा है वो कम एनर्जी वेस्ट होगा, बाय यूजिंग व्हील्स एंड बॉल बैरिंग, ठीक है, व्हील्स बैरिंग और बॉल बैरिंग, चक्का में जो बैरिंग बैरिंग लगा हुआ रहता है, कोई भी चलता है, कोई भी गाड़ी चल रहा है, तो जहाँ पर चक्का घूमता है ना, वहाँ एक बैरिंग लगा हुआ होता है, तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, उस नहीं वहाँ कोई भी चक्का घूम रहा है तो वहाँ हम बैरिंग लगाते हैं, तो उससे कारण क्या होता है, बैरिंग इतना क्या क्या बोलते हैं उसको, मतलब कि प्लेन होता है, इतना होता है ना, सॉफ्ट होता, क्या बोलता है, स्मूथ होता है, तो उसके कारण क्या हो सकता है कि आपका बॉल बैरिंग, छोटे 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 बॉल बैरिंग राउंड है। सबसे पहले एक चीज़ देखते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स इसमें ज़्यादा काम करेगा कि इसमें काम करेगा, ठीक है, इंक नहीं डाला मैंने, इसमें काम करेगा कि इसमें ज़्यादा काम करेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स इसमें आपका ज़्यादा काम करेगा, ठीक है। इसमें क्यों करेगा, क्योंकि इस यहाँ पर देखिए सरफेस इतना ज़्यादा है, यहाँ पर सरफेस बहुत छोटा है, ठीक है। तो उसी तरह से होता है बॉल बेरिंग, बॉल बेरिंग बहुत सारा बॉल डाला हुआ रहता है, ठीक है, मान के चले ऐसे गोल राउंड है, ठीक है, यहाँ पर अंदर में बॉल 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 डाला हुआ है, तो ठीक है, बॉल में आपका फ्रिक्शन काम करेगा, ठीक है। चलिए, बॉल बेरिंग का यूज करके हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। फोर्थ में क्या, फ्रिक्शन ड्यू टू एयर एंड वाटर इज रिड्यूस्ड बाय अडॉप्टिंग अ स्टीम लाइंड शेप, ठीक है, स्टीम लाइंड शेप बोलते हैं, जैसे कि ऐसे स्टीम लाइंड शेप, मतलब क्या है कि जब कोई बर्ड अगर उड़ रही है तो वो कैसे करती है, ऐसे करके उड़ती है, जिस मान के चले पूरा ऊपर आसमान में चलेगी, उधर से हवा आ रहा है जोर से, तो ऐसा नहीं कि वो ऐसे से पंख मार, सीधा अगर वो ऐसे है, ठीक है, तो सीधा वो हवा को काटते हुए जाना, ठीक है, सिंपल है, स्टीम लाइट शेप है। तो आप एरोप्लेन को भी देखेंगे तो वो ऐसे करके होता है ना, ठीक है, ऐसे करके, और सामने नुकीला, वही जो नुकीला सामने बन रहा है ना, उसी को बोलते हैं स्टीम लाइट शेप, ठीक है, और ऐसे करके जो बना हुआ एरोप्लेन में होता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं स्टीम लाइट शेप। तो ये सब चीज का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, जैसे पक्षी का, बर्ड का भी हो गया, एरोप्लेन का भी हो गया, तो यहाँ पर स्टीम लाइट शेप आपको समझ में आ गया, मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन हमने समझ लिया, एडवांटेज समझ लिया, डिसएडवांटेज समझ लिया, ठीक है। तो अब हम देखेंगे, अब हम पढ़ेंगे प्रेशर के बारे में। हमने पहले फोर्स के बारे में पढ़ा, फिर फ्रिक्शन फोर्स के बारे में पढ़ा, फोर्स फ्रिक्शन एंड प्रेशर, फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर का नाम था, तीन भाग में डिवाइड है फोर्स में, फिर फोर्स में फ्रिक्शनल फोर्स पढ़ा हमने, फ्रिक्शनल फोर्स में फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में पढ़ा, अब हम प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी यहीं, आज का वीडियो यहीं तक रहेगा, आज इस लेक्चर में, फिर हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पे अगर आप नए हैं कोई भी स्टूडेंट तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है, और अगर कहीं भी आपको डाउट है तो आप अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में डाल दें, मैं आपको सॉल्व करूंगा। धन्यवाद।